पहलवान सुशील कुमार का गुनाह बेनकाब, एबीपी न्यूज के हाथ लगा छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो। हॉकी स्टिक से सागर धनकर को पीटता दिख रहा है सुशील। फरारी के दौरान पहलवान सुशील 5 बार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों की 19 अलग अलग जगहों पर पनाह ली थी। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के दो और साथियों वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। वारदात के दिन दोनों सुशील के साथ मौजूद थे। सागर धनखड़ मर्डर केस में पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है पहलवान सुशील कुमार। पुलिस ने ली है मनोवैज्ञानिकों की मदद। सागर हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार की कथित मीडिया ट्रायल रोकने पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में खबरों से सुशील का करियर और साख खराब होने की बात कही गई है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशों को झटका। डोमिनिका की सरकार ने कहा भारत को सौंपने के बजाय मेहुल को वापस एंटीगुआ भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा और बंगाल में चक्रवाती तूफान यास प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। पीएम के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी सबसे पहले ओडिशा के भुवनेश्वर में करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक के बाद यास तूफान से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आज यास प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी। हिंगलगंज, सागरद्वीप और दीघा के इलाकों का जायजा लेंगी। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक यास तूफान से करीब 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 3 लाख घर तबाह हुए, बड़ी संख्या में बांध भी टूटे। ममता ने दिए बांध टूटने की जांच के आदेश। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। द्वारे सरकार की तर्ज पर द्वारे त्राण योजना भी लागू करेगी ममता सरकार। यास तूफान कमजोर होकर झारखंड और बिहार पहुंचा। दोनों राज्यों के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश, अलर्ट पर है प्रशासन। यूपी के पूर्वी हिस्से में भी दिखेगा तूफान यास का असर। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल 25 जिलों में भारी बारिश की संभावना। एलोपैथी के खिलाफ बयान देने वाले बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के आईपी स्थित थाने में शिकायत दर्ज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पतंजलि योगपीठ ने आईएमए के नोटिस मिलने की पुष्टि की। कहा कानूनी तरीके से इसका करारा जवाब दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर ट्विटर और सरकार में तकरार। सरकार ने कहा जांच में सहयोग करें। ट्विटर के कर्मचारियों को देश में खतरा नहीं, देश के कानून से ऊपर नहीं है ट्विटर। दिल्ली पुलिस ने भी बयान जारी कर कहा ट्विटर को सहयोग करना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये शुरुआती जांच है, केंद्र सरकार के कहने पर नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर जांच हो रही है। टूलकिट विवाद में कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की जांच को अवैध ठहराया। कहा चिट्ठी हमने शिकायत वापस ले ली थी, फिर कैसी जांच। दिल्ली पुलिस पर बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। टूलकिट विवाद में पुलिस के दफ्तर पहुंचने पर ट्विटर का बयान। कहा हम भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, हमारे यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी खतरा। देश में अब तक 20 करोड़ 27 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। सरकार ने कहा टीकाकरण में प्रतिदिन 20 लाख का स्तर हासिल हुआ, जुलाई में 50 करोड़ डोज तक पहुंच जाएंगे। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का दावा भारत में फैले कोरोना वेरिएंट पर कारगर है। फाइजर की वैक्सीन 12 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को लगाई जा सकती है। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,11,298 नए केस सामने आए, 3,847 लोगों की मौत। जान लेते हैं कुछ और खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज। 24 राज्यों में कोरोना के एक्टिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब रोज ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं, ये अच्छे संकेत। दिल्ली में 30 मार्च के बाद कोरोना के सबसे कम केस दर्ज। एक दिन में 1,072 नए संक्रमित मिले, 117 लोगों की मौत। संक्रमण की दर घटकर 1.53% हुई।
भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना मरीजों के इलाज की इजाजत मिली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दवा से कोरोना को हराया था। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के इससे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। सरकार के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में सरकार 47 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। पीएम केयर फंड से 7 और डीआरडीओ 11 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की कोविड मैनेजमेंट को लेकर तारीफ की। कहा पिछली सुनवाई में जिन जिलों में सुधार के लिए कहा गया था वहां सुधार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी। कोविड 19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 25 अप्रैल को जारी आदेश को 30 जून तक प्रभावी रखने के निर्देश। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। दिल्ली में 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 153 नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर 773 हुई। दिल्ली में आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बैठक। एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कोरोना के हालात, टीकाकरण और अनलॉक पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में और 15 दिन के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अब 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा का मुद्दा। परीक्षा रद्द करने की मांग पर आज होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में जुलाई के आखिर में 12वीं और अगस्त के दूसरे हफ्ते में 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा होम सेंटर पर होंगी परीक्षाएं, 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का समय होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। ट्विटर पर लिखा पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि पीएम की नीतियों से हुई कोरोना मौतों के असली आंकड़े छिपाए जा सके। वैक्सीन पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी का जवाब। कहा भ्रम फैला रहे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को केंद्र ने अभी तक 45 लाख वैक्सीन फ्री दी, केजरीवाल ने सिर्फ 8 लाख वैक्सीन खरीदी। यूपी में अलग अलग टीके की डोज पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। प्रोटोकॉल के तहत एक ही कंपनी की दोनों डोज लगे, अगर दूसरी कंपनी की वैक्सीन भी लग जाए तो दिक्कत नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर में दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लगाने के मामले में 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई। एएनएम निलंबित, चिकित्सा अधीक्षक का तबादला और आईओ से रिकवरी का आदेश दिया गया। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। कालरा के 3 रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए थे। यूपी में कानपुर पुलिस ने एंटी फंगल इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों से 68 इंजेक्शन बरामद किए गए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कहा एनडीएचएम से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 45 मिनट तक कोरोना पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बातचीत नहीं। कोरोना काल में योगी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, एस्मा लागू। नारदा स्टिंग मामले में आज फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों, 1 विधायक और कोलकाता के 1 पूर्व मेयर नजरबंद हैं। कविता सत्र के साथ ई केरल साहित्य उत्सव की आज से शुरुआत। इजराइल और फिलिस्तीन समेत 10 देशों के 50 से ज्यादा कवि इसमें हिस्सा लेंगे। केरल की संस्कृति मंत्री साजी चेरिन उद्घाटन करेंगे। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से मुलाकात हुई। हिंद महासागर और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर चर्चा। व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से भी मिले जयशंकर। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ भी हुई विदेश मंत्री जयशंकर की बैठक। अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों का आभार व्यक्त किया। कहा कोरोना से निपटने के लिए दोनों देशों में मजबूत साझेदारी की बहुत जरूरत। सुशील कुमार, वो नाम जो चंद दिनों पहले फक्र के साथ लिया जाता था, नौजवानों के लिए ये नाम किसी हीरो से कम नहीं था, लेकिन अब यही नाम सबसे बड़ा विलन बन गया है। सागर धनखड़ की हत्या के मामले में एक वीडियो सामने आने के बाद कम से कम ऐसा ही लग रहा है।
सामने आया सागर हत्याकांड का खौफनाक वीडियो। लाठियों से पीट पीट कर ली सागर धनखड़ की जान। चार पांच मई की दरमियानी रात को सागर धनखड़ के साथ क्या कुछ हुआ था और कैसे तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली गई थी, 54 सेकंड के इस वीडियो ने अब इस हत्याकांड से जुड़े ऐसे ही कई राज से पर्दा उठा दिया है। और पर्दा उठते ही इस हत्याकांड का जो सबसे बड़ा विलन सामने आया वो है ये शख्स। इस धुंधली तस्वीरों में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हाथों में लाठी लिए ये कौन है जो सागर धनखड़ की पिटाई कर रहा है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार है। देखिए कैसे जमीन पर सागर धनखड़ अधमरा पड़ा है। सुशील के साथियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। सागर हाथ जोड़े रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन सुशील को उस पर दया नहीं आ रही और वो उस पर लाठी से एक के बाद एक हमले कर रहा है। पहले ये खबर आई कि सागर की हत्या महज किराए के चंद पैसों के लिए की गई थी, लेकिन ये थ्योरी दिल्ली पुलिस के गले नहीं उतरी। पुलिस को शक है कि हत्याकांड की वजह कुछ और ही है और वो राज क्या है ये उगलवाने के लिए क्राइम ब्रांच 3 दिनों से सुशील से पूछताछ कर रही है, लेकिन सुशील ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील अपने शरीर की तरह मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत है। वो जांच को लगातार भटकाने की कोशिश कर रहा है और रटे रटाए जवाब दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने मौका वारदात की वो वीडियो भी सुशील को दिखाई, बावजूद उसके उसने हत्या में शामिल होने की बात से साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि पुलिस अब जांच में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है। दिल्ली पुलिस सुशील की खतरनाक खोपड़ी में उतरना चाहती है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट को देखकर सुशील पूछताछ के दौरान घबरा गया था और उसकी ऐसी घबराहट में कई सवालों के जवाब छुपे हैं। पुलिस जानना चाहती है कि हत्या का असली मकसद क्या है, क्या हत्या किसी और के इशारे पर हुई, क्या कोई गैंगस्टर हत्या के पीछे है। सच्चाई कैसे पता करे वो क्वेश्चन है, एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट बनाता है ताकि किस आधार पर उससे सच्ची बातें पता लग जाए, और इस केस में सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर हुई सोची समझी हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील के चार साथियों को भी 26 मई को गिरफ्तार किया था। बदमाशों में भूपेंद्र उर्फ भूपी, मोहित उर्फ भोली, गुलाब उर्फ पहलवान और मंजीत उर्फ चुन्नीलाल शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अब क्राइम ब्रांच काला असौंदा नीरज बवाना गैंग के इन चारों बदमाशों को सुशील कुमार के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ताकि सुशील की जुबान से सच उगलवाया जा सके। मई के महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आई है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीन लगती रही तो देश के लोगों को वैक्सीन लगने में 2 साल लग जाएंगे। वैक्सीन की कमी एक समस्या है, लेकिन दूसरी समस्याएं भी हैं, लापरवाही, मिसमैनेजमेंट और वैक्सीन से डर। रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन का वो ओपन करते हैं, उसमें तो 2 मिनट में ही सीवर के पूरे फूक हो जाते हैं। वैक्सीन लगने के बाद में आदमी मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इस वैक्सीन से फायदा क्या है? तब तक ऊपर वाले ने नहीं लिखी यानी मौत, मैं कोई मानने वाला नहीं। बिहार की राजधानी पटना, समस्या वैक्सीन की कमी। पटना में पिछले 4 दिन से वैक्सीन की कमी के कारण 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन बंद है। वीमेंस कॉलेज हो या बोरिंग रोड का एनएन कॉलेज, दोनों जगह सेंटर बंद मिले। जवाब देने के लिए सिर्फ गार्ड मौजूद है। किस लिए बंद है मालूम नहीं है, और कोई डॉक्टर भी नहीं है। आप देख रहे हैं ताला लॉक है यहाँ पे, और हम बार बार बोलना चाहेंगे कि इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, समस्या वैक्सीनेशन की धीमी गति। वैक्सीन की कमी या धीमी रफ्तार की समस्या शहरों में साफ नजर आ रही है, वहीं गांव देहात की तरफ बढ़े तो यहां अलग तरह की समस्या दिख रही है। सीहोर एमपी, दूसरी डोज के लिए 1 लाख रुपए की मांग। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव में पहली डोज के बाद आए बुखार से लोग ऐसा डरे कि दूसरी डोज से भागने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 1 लाख रुपए देने पर दूसरी डोज लगवाने की बात लोग कह रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम बुधनी और जैतगांव पहुंची तो लोगों में डर साफ नजर आया। बुखार आ जाता है उसमें। अच्छा, तो इसलिए दूसरा नहीं लगवाया?
अब तबियत भैया देख लें, अच्छी रही तो लगवा लें, नहीं तो नहीं लगवा भैया। भाई लोग बाग जनता कह रही वैक्सीन वाली लगवाओगे तो जनता आधी मर रही वैसे। अब ना जाने तुम दवाई का लगा रहे कि जहर का लगा रहे, ये लोगों को नहीं ऐसे ब्लड प्रेशर है वगैरह वगैरह है, किसी को सूट हो रहा किसी को नहीं हो रहा, इस डर के मारे लगवा नहीं रहा, लगवा नहीं रहे, घबरा रहे आदमी। रायपुर ग्रामीण इलाका छत्तीसगढ़, वैक्सीन नहीं लगवा रहे लोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर के ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे। ई रिक्शा पर विधायक विकास उपाध्याय को गली गली जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहना पड़ रहा है। वार्ड वार्ड में जाकर महिला बहनों के बीच में, पुरुष आदमी जो परिवार के मुखिया उनके बीच में जाकर कि परिवार के एक एक सदस्य को वैक्सीन लगाएं। कोरोना में अगर कोई कारागर साबित होगा, कोई जान को बचाएगा तो वैक्सीन ही बचाएगा। वैक्सीन की कमी और वैक्सीन लगवाने से परहेज देश में बड़ी समस्या बन गई है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, वैक्सीन न लगवाने के बाद कुछ जगहों पर धर्म भी वैक्सीनेशन की आड़ में आ रहा है। लोगों की अपनी अपनी चिंताएं जो साफ नजर आ रही हैं। बोलते हैं कि करीबन आधा घंटा रुकेंगे, आधा घंटा रुकने के बाद ही देखेंगे कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, तो साइड इफेक्ट के बाद तुरंत इलाज होगा उसका। वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या भरोसा है कि आदमी जिंदा बचे? तो आप वैक्सीन में भरोसा नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। रास्ते में घपलेबाजी बहुत चल रही है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, ब्लैक में बेच रहे हैं, बदला बदली हो रही है। सिद्धार्थनगर यूपी, वैक्सीन की अलग अलग डोज। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य कर्मियों ने इतनी लापरवाही बरती की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, जब दूसरी डोज की बारी आई तो कोवैक्सीन लगा दी गई। अब सब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, लोग भयभीत हैं। हालांकि अब तक इस कॉकटेल का कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया। डर तो हमेशा बना रहा, दूसरा खुराक लगा दिए, अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। यानी कुल मिलाकर हाल ये है कि आगे कुआं पीछे खाई, एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी है, और इससे भी आगे है लापरवाही और अज्ञानता का समुद्र, जिसमें से जाने कैसे देश दूसरी पार जा पाएगा। तो देखिए, हम लगातार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है, लेकिन इसको लेकर जो तरह तरह के भ्रम है, लापरवाही है, पहले हमें उससे पार पाना होगा। पूरी दुनिया कोरोना को चीन की साजिश मानती है। चीन भारत के खिलाफ एक और साजिश सुलगाने में जुटा हुआ है। चीन हिंद महासागर में भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पोर्ट सिटी के नाम पर उसने एक नया स्थायी ठिकाना बना लिया है। क्या है जिनपिंग की जहरीली प्लानिंग, देखिए जरा। चीन साजिश रचता है, चीन की हर चाल दिखा रही है, वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ताजा मिसाल बना है श्रीलंका को दिखाया गया नया सपना। ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रीलंका को क्या खूबसूरत तोहफा देने का सपना दिखा रहा है चीन। ये विज्ञापन पोर्ट की खूबसूरती और लाभ को श्रीलंका को दिखा रहा है, लेकिन इस सपने के पीछे छिपी हुई साजिश श्रीलंका को शायद दिखाई नहीं दी। ये प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड के तहत शुरू किया जा रहा है, लेकिन सच कुछ और ही है। कहा जा रहा है कि इस बहाने चीन ने श्रीलंका में नया प्रांत बना डाला है। प्रांत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ श्रीलंका की कम और चीन की ज्यादा चलेगी। कोलंबो पोर्ट के लिए चीन को 99 साल की जमीन लीज पर दी गई है। 153 एकड़ जमीन पर पोर्ट बनाएगी चीनी कंपनी। ये कंपनी चीन सरकार की समर्थित कंपनी है। श्रीलंकाई करेंसी की बजाय यहाँ विदेशी करेंसी चलेगी। इस पोर्ट में प्रवेश के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा। इस पासपोर्ट की कॉपी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी जमीन श्रीलंका की होगी, लेकिन मर्जी चलेगी चीन की। सामरिक जानकारों के मुताबिक चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में एक मोती और बढ़ गया है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी रणनीतिक मोर्चाबंदी के लिए करेगा। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह पहले ही चीन के पास है, वहीं अब कोलंबो पोर्ट सिटी के जरिए एक और बंदरगाह पर चीनी मौजूदगी मजबूत होगी। इस नए पोर्ट के जरिए चीन के युद्धपोत से लेकर पनडुब्बियां आराम से डेरा जमा सकती है। ऐसे में भारत के कन्याकुमारी, चेन्नई, त्रिवेंद्रम जैसे बड़े शहर उसकी जद में आ जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है इससे भारत के लिए दक्षिणी छोर पर नया खतरा पैदा हो गया है। चीन का मकसद श्रीलंका की मदद करने का नहीं है, उसका इरादा इससे कहीं आगे का है। वो हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इस परियोजना का ढांचा इस तरह बनाया गया है कि न केवल चीनी कर्ज पर निर्भर है, बल्कि श्रीलंकाई जमीन पर चीन की कॉलोनी की तरह काम करेगा। इस परियोजना को लेकर श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई आपत्तियों और विपक्ष समेत अनेक नागरिक संगठनों के विरोध के बाद भी
चीनी दबाव में राजपक्षे सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। श्रीलंका में चीन का यह अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, हम्बनटोटा में भी चीन पहले से मौजूद है। 2017 में हम्बनटोटा द्वीप में भी चीनी कंपनी को 99 साल की लीज पर जमीन मिली थी। खास बात यह है कि पिछली बार सत्ता में रहते हुए राजपक्षे बंधुओं की सरकार हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन के हाथों सौंपने को लेकर सवालों से घिरी थी। यह मुद्दा सत्ता से विदाई का भी कारण बना था, मगर 2019 और 2020 के चुनावी समर को जीतने के बाद राजपक्षे बंधुओं ने भारत की चिंताओं को ध्यान में रखने का वादा तो किया, मगर कोरोना संकट के बीच श्रीलंका की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उन्होंने एक बार फिर सस्ते चीनी कर्ज का दामन थामना ही मुनासिब समझा। चीन की इसी चाल को देखते हुए भारत ने क्वाड की तरफ कदम बढ़ाया है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। लेकिन अभी तक क्वाड सिर्फ कागजों में है, जबकि चीन हकीकत की धरती पर अपना जाल मजबूत करता जा रहा है। तो चीन की नई साजिश का खुलासा हो गया है। लगातार चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे या फिर वो इन नियमों को मानेंगे, ये बहस बहुत तेज है। दरअसल व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी का तर्क रखकर कोर्ट पहुंच गया है, तो सरकार भी अड़ी हुई है। रविशंकर प्रसाद ने साफ किया है कि आम यूजर्स की प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है और इन कंपनियों को नियमों के दायरे में तो आना ही होगा। रिपोर्ट देखिए। सरकार के नए दिशा निर्देशों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच चला आ रहा गतिरोध जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने निजता के हनन के अधिकार का सवाल उठाते हुए याचिका डाली है। दूसरी तरफ सरकार किसी भी हालत में अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। आईटी मंत्रालय के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर बयान जारी किया है। सरकार निजता के अधिकार का पूरा सम्मान करती है। व्हाट्सएप के सामान्य यूजर्स को इन नियमों से डरने की जरूरत नहीं है। पहला मैसेज कहां से जारी हुआ, इसकी जानकारी तभी मांगी जाएगी जब देश की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा या फिर अपराध का कोई मामला सामने आएगा। इन नियमों का मकसद सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना है। निजता भी महत्वपूर्ण है, अर्थात प्राइवेसी भी महत्वपूर्ण है और देश की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना और सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होते हैं वो कंपनियों को करना पड़ेगा और हिंदुस्तान का संविधान सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सबको इसका पालन करना चाहिए। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कुछ अफसरों की तैनाती करनी होगी जो शिकायत मिलने पर उनका समाधान कर सकें। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए जारी गाइडलाइन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई को 4 अगस्त तक टाल दिया है। ये याचिका कुछ डिजिटल मीडिया संस्थानों ने डाली थी। सोशल मीडिया की तरह ही अब डिजिटल मीडिया पर भी सरकार इन नियमों को लागू करने का दबाव बना रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया को गाइडलाइन लागू करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार के बीच चल रहे इस गतिरोध को लेकर विपक्ष के नेता इन कंपनियों के पक्ष में आ गए हैं। ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा चाइना के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा रशिया के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा नॉर्थ कोरिया के साथ, जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि साइबर एक्सपर्ट को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। पूरे वर्ल्ड में हम जानते हैं कि उस देश का लॉ को फॉलो करना होता है। इंडिया में भी अपना एक सिस्टम है, लॉ है, उसको फॉलो करना है और उसको हम किसी चीज के पीछे हम अपने आप को कवर करके उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। जाहिर है कंपनियां जिस देश में काम करती हैं उन्हें वहां के नियमों के आधार पर ही काम करना होता है, लेकिन भारत से इतनी कमाई करने के बावजूद ये विदेशी कंपनियां खुद को देश के नियमों में बांधने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना ने घर घर पर असर किया है। कोरोना के असर की एक ऐसी ही कहानी मध्य प्रदेश के विदिशा से आई है, जहां कोरोना की वजह से किसानों को एक नई तरह की मुसीबत झेलनी पड़ रही है। बैंक के बाहर किसानों की जो लाइन आप देख रहे हैं वो अपने पैसे निकालने के लिए है, रात भर लाइन में लगना पड़ता है इन्हें। दरअसल बैंक कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बैंक बंद रहा, अब बैंक खुला तो अचानक बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। इस भीड़ से किसानों पर कोरोना का भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन परेशान किसान अपनी फसल की कीमत के लिए मजबूरी में लाइन लगा रहे हैं। तो आम आदमी को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं।
पहलवान सुशील कुमार का गुनाह बेनकाब, एबीपी न्यूज के हाथ लगा छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो, हॉकी स्टिक से सागर धनकर को पीटता दिख रहा है सुशील। फरार होने के दौरान पहलवान सुशील 5 बार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों की 19 अलग अलग जगहों पर उसने पनाह ली थी। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के 2 और साथियों वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए, वारदात के दिन दोनों सुशील के साथ मौजूद थे। सागर धनखड़ मर्डर केस में पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है पहलवान सुशील कुमार, पुलिस ले रही है मनोवैज्ञानिकों का सहारा। सागर हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार की कथित मीडिया ट्रायल रोकने पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिका में खबरों से सुशील का करियर और साख खराब होने की बात कही गई है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशों को झटका, डोमिनिका की सरकार ने कहा भारत को सौंपने के बजाय मेहुल को वापस एंटीगा भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा और बंगाल में चक्रवाती तूफान यास प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे, पीएम के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी सबसे पहले ओडिशा के भुवनेश्वर में करेंगे समीक्षा बैठक, बैठक के बाद यास तूफान से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आज यास प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी, हिंगलगंज सागर द्वीप और दीघा के इलाकों का जायजा लेंगी। सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक यास तूफान से करीब 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 3 लाख घर तबाह हुए, बड़ी संख्या में बांध भी टूटे, ममता ने दिए बांध टूटने की जांच के आदेश। ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया, द्वारे सरकार की तर्ज पर द्वारे त्राण योजना भी लागू करेगी ममता सरकार। यास तूफान कमजोर होकर झारखंड और बिहार पहुंचा, दोनों राज्यों के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हो रही है, अलर्ट पर है प्रशासन। यूपी के पूर्वी हिस्से में भी दिखेगा तूफान यास का असर, मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल 25 जिलों में भारी बारिश की संभावना। एलोपैथी के खिलाफ बयान देने वाले बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में एक शिकायत दर्ज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पतंजलि योगपीठ ने आईएमए के नोटिस मिलने की पुष्टि की, कहा कानूनी तरीके से इसका करारा जवाब दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर ट्विटर और सरकार में तकरार, सरकार ने कहा जांच में सहयोग करें, ट्विटर के कर्मचारियों को देश में खतरा नहीं, देश के कानून से ऊपर नहीं है ट्विटर। दिल्ली पुलिस ने भी बयान जारी कर कहा ट्विटर को सहयोग करना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ये शुरुआती जांच है, केंद्र सरकार के कहने पर नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर जांच हो रही है। टूल किट विवाद में कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की जांच को अवैध ठहराया, कहा चिट्ठी हमने शिकायत वापस ले ली थी, फिर कैसी जांच, दिल्ली पुलिस पर बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। टूल किट विवाद में पुलिस के दफ्तर पहुंचने पर ट्विटर का बयान, कहा हम भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित, हमारे यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी खतरा। देश में अब तक 20 करोड़ 27 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका, सरकार ने कहा टीकाकरण में प्रतिदिन 20 लाख का स्तर हासिल हुआ, जुलाई में 50 करोड़ डोज तक पहुंच जाएंगे। देश में जून के दूसरे हफ्ते में लगेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी, दिल्ली में अपोलो अस्पताल में मिलेगी, स्पुतनिक के बाजार में आते ही वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध ये तीसरी वैक्सीन है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का दावा भारत में फैले कोरोना वेरिएंट पर कारगर है फाइजर की वैक्सीन, 12 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों को 22 करोड़ वैक्सीन दी, राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 1,84,00,000 डोज मौजूद, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा फाइजर से बातचीत चल रही है, जल्द ही बातचीत पूरी हो सकती है। दिल्ली में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, नहीं हो रहा है 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण, 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए कोविशील्ड का 11 दिन का ही स्टॉक बाकी। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 2,11,298 नए केस सामने आए, 3,847 लोगों की मौत।
24 राज्यों में कोरोना के एक्टिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब रोज ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं, ये अच्छे संकेत। दिल्ली में 30 मार्च के बाद कोरोना के सबसे कम केस दर्ज। एक दिन में 1072 नए संक्रमित मिले, 117 लोगों की मौत। संक्रमण की दर घटकर 1.53% हुई। और चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना मरीजों के इलाज की इजाजत मिली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दवा से कोरोना को हराया था। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई। सरकार के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी जानकारी। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन की किल्लत दूर करने के लिए 5 और दवा कंपनियों को लाइसेंस। पीएम मोदी ने विदेशों से भी आयात बढ़ाने के दिए निर्देश। दिल्ली में सरकार 47 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। पीएम केयर फंड से 7 और डीआरडीओ 11 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद। दिल्ली सरकार देगी 5-5 लाख रुपए की मदद। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को मिलेगी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केरल में कोरोना से जान गंवाने वाले माता पिता के बच्चों को राज्य सरकार का मरहम। 3 लाख रुपए एक साथ और 18 साल तक हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान। डिग्री तक पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की कोविड मैनेजमेंट को लेकर तारीफ की। कहा पिछली सुनवाई में जिन जिलों में सुधार के लिए कहा गया था वहां सुधार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। कोविड 19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 25 अप्रैल को जारी आदेश को 30 जून तक प्रभावी रखने का निर्देश। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। दिल्ली में 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 153 नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर 773 हुई। दिल्ली में आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बैठक। एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई अधिकारी होंगे शामिल। कोरोना के हालात, टीकाकरण और अनलॉक पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में और 15 दिन बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अब 15 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा का मुद्दा। परीक्षा रद्द करने की मांग पर आज होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में जुलाई के आखिर में 12वीं और अगस्त के दूसरे हफ्ते में 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा होम सेंटर पर होंगी परीक्षाएं, 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का समय होगा। भारत में आंकड़ों से 14 गुना ज्यादा मौत की खबर छापने वाली न्यूयॉर्क टाइम्स को सरकार की खरी खरी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा यह खबर पूरी तरह झूठी। अखबार के दावे सबूतों के बजाय विकृत आंकलन पर आधारित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। ट्विटर पर लिखा पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि पीएम की नीतियों से हुई कोरोना मौतों के असली आंकड़े छिपाए जा सके। वैक्सीन पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी का जवाब। कहा भ्रम फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को केंद्र ने अभी तक 45 लाख वैक्सीन फ्री दी, केजरीवाल ने सिर्फ 8 लाख वैक्सीन खरीदी। यूपी में अलग अलग टीके की डोज पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। प्रोटोकॉल के तहत एक ही कंपनी की दोनों डोज लगे, अगर दूसरी कंपनी की वैक्सीन भी लग जाए तो दिक्कत नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर में दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लगाने के मामले में 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई। एएनएम निलंबित, चिकित्सा अधीक्षक का तबादला और आईओ से रिकवरी का आदेश दिया गया। बिहार में जर्जर स्वास्थ्य सेवा की एक और तस्वीर सामने आई। समस्तीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बंधा दिखी भैंस। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। कालरा के 3 रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद हुए थे। यूपी में कानपुर पुलिस ने एंटी फंगल इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों से 68 इंजेक्शन बरामद। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज।
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कहा एनडीएचएम से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 45 मिनट तक कोरोना पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। कोरोना काल में योगी सरकार का बड़ा आदेश, यूपी में अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, एस्मा लागू। पश्चिम बंगाल में मंत्री ब्रत्य बसु और रथिन घोष समेत 12 विधायक आज लेंगे विधानसभा में शपथ। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते बसु और घोष 10 मई को डिजिटल माध्यम से शपथ ले चुके थे। नारदा स्टिंग मामले में आज फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों, 1 विधायक और कोलकाता के 1 पूर्व मेयर नजरबंद हैं। 26 जनवरी की दिल्ली लाल किला हिंसा में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक साजिश के तहत दाखिल हुए थे प्रदर्शनकारी। लाल किले को नया प्रदर्शन स्थल बनाना चाहते थे। 30,000 कोर्ट लेगा संज्ञान। दिल्ली हिंसा का आरोपी और पुलिस का वांटेड लखा सधाना फिर पंजाब के संगरूर में एक कार्यक्रम में स्टेज पर दिखाई दिया। पंजाब पुलिस की मौजूदगी में लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन के उग्राहा गुट ने ठुकराई पंजाब के सीएम की कोरोना काल में धरना न देने की अपील। उनके शहर पटियाला में शाही महल के बाहर आज से 3 दिन का प्रदर्शन शुरू करेंगे। कविता सत्र के साथ ई केरल साहित्य उत्सव की आज से शुरुआत। इजराइल और फिलिस्तीन समेत 10 देशों के 50 से ज्यादा कवि इसमें हिस्सा लेंगे। केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरिन उद्घाटन करेंगे। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से मुलाकात हुई। हिंद महासागर और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर चर्चा। व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से भी मिले। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ भी हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक। अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों का आभार व्यक्त किया। कहा कोरोना से निपटने के लिए दोनों देशों में मजबूत साझेदारी की बहुत जरूरत। वॉशिंगटन डीसी में अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और बाइडेन प्रशासन के टॉप अफसरों से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी रक्षा मंत्री से भी होगी मुलाकात। नेपाल में संसद भंग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज करेगी सुनवाई। 19 याचिकाएं कल संविधान पीठ के पास भेजी गईं। ओली के खिलाफ 11 याचिकाओं पर भी सुनवाई। गाजा में इजरायली हमले युद्ध अपराध के दायरे में आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख ने दी चेतावनी। 11 दिनों के संघर्ष में गाजा में बच्चों और महिलाओं समेत 248 लोगों की मौत हुई थी। कैलिफोर्निया के सैन जोसे रेल यार्ड गोलीबारी मामले में एफबीआई ने कहा यह आतंकवाद का मामला नहीं। एक दिन पहले हुई थी घटना जिसमें हमलावर समेत 9 की मौत हुई। मारे गए लोगों में एक भारतीय सिख भी। अफ्रीकी देश कांगो के गोमा में ज्वालामुखी फटने के बाद आई नई तस्वीर। एक और ज्वालामुखी फटने की चेतावनी के बाद बड़ी संख्या में शहर छोड़ते दिखे लोग। पिछले हफ्ते ही गोमा में फटा था ज्वालामुखी। वित्त मंत्री की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की इस साल की आज पहली बैठक। कोरोना दवाओं, टीकों और मेडिकल सामानों के टैक्स पर चर्चा होगी। राज्यों के कलेक्शन में कमी पर भी बात होगी। आरबीआई की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बड़ी बात। कहा अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद शेयर बाजार में तेजी, एक बुलबुला है। चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में 8% गिरावट का है अनुमान। आरबीआई की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक दाल और खाद्य तेल के भाव में आगे भी बनी रह सकती है तेजी, लेकिन बंपर पैदावार की वजह से अनाज की कीमतों में नरमी के संकेत दिए। टोल प्लाजा से जुड़ी अहम खबर। 100 मीटर से लंबी हुई लाइन तो नहीं देना होगा वाहनों को टोल टैक्स। नए नियम को लागू करने के लिए टोल बूथों पर पीली लाइन खींची जाएगी। कोरोना से मौत पर भी नॉमिनी को मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ। इसमें 330 रुपए में होता है 2 लाख का बीमा। 18 से 50 साल तक का व्यक्ति ही कर सकता है आवेदन। केनरा बैंक के बोर्ड की आज बैठक। चालू वित्त वर्ष में इक्विटी और ऋण के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार होगा, फिर फैसले को मंजूरी दी जाएगी। बेंगलुरु मुख्यालय में है बैठक। देश में सस्ता स्मार्टफोन उतारने के लिए रिलायंस जियो के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहा है गूगल। सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया पिछले साल हुआ जियो और गूगल के बीच समझौता। चलिए तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुपर 100 का।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पर पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव का बयान, बोले एक टेस्ट के आधार पर विजेता का फैसला सही नहीं, तीन टेस्ट होने चाहिए, 18 से 22 जून के बीच है फाइनल। आईपीएल 2021 के बचे मैचों को लेकर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड का ऐलान, नहीं करेंगे कार्यक्रम में कोई बदलाव, आईपीएल पूरा कराने की तैयारी में जुटे बीसीसीआई की परेशानी बढ़ी। बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन को फिर से झटका, करण जौहर के बाद अब शाहरुख खान की कंपनी रेड रिलीज की फिल्म फ्रेडी से बाहर करने की खबर, कार्तिक की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। राजा मौली ने अपनी आने वाली फिल्म आरआरआर के पोस्ट थिएट्रिकल डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स बेचे, जी ग्रुप नेटफ्लिक्स और स्टार इंडिया ने खरीदे, 13 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। बिहार की राजनीति पर बनी वेब सीरीज महारानी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज होगी, हुमा कुरैशी लीड रोल में दिखाई देंगी, सोहम शाह और अमित सियास के भी अहम रोल। तीन बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। पहली बड़ी खबर यास तूफान से जुड़ी, आज पीएम मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, पीएम यास से हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे, ममता बनर्जी के साथ उनकी बैठक भी होगी। दूसरी बड़ी खबर पहलवान सुशील कुमार से जुड़ी हुई है, सागर धनखड़ की हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है और दिल्ली पुलिस ने कई बड़े खुलासे इसको लेकर किए हैं। और तीसरी बड़ी खबर आज की आपको बता दें, ये बच्चों के भविष्य से जुड़ी है, कोरोना संकट के बीच 12वीं के छात्र छात्राओं का इम्तिहान अधर में लटका हुआ है, क्या होगा आगे बताएंगे आपको। लेकिन चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के साथ, जिस पर सिर्फ दो राज्यों की नहीं बल्कि पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद आज पहली बार पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, डेढ़ सौ किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, और जोरदार बारिश, चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर वार तो जोरदार किया था, लेकिन तैयारियों ने नुकसान को काफी कम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज यास प्रभावित इलाकों का जायजा लेने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद पीएम बालासोर, भद्रक और पूर्वी मिदनापुर के तूफान प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद पीएम खड़गपुर के कलईकुंड में दोपहर 2:15 बजे बंगाल की समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में तूफान से 15,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। ओडिशा और बंगाल दौरे से पहले पीएम ने दिल्ली में यास पर बैठक की, जिसमें राहत बचाव काम की जानकारी दी गई। तो हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ओडिशा और बंगाल का हवाई दौरा करेंगे। चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार और झारखंड में भी अपना जबरदस्त असर दिखा रहा है। देखिए ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। ओडिशा के तट से टकराने के बाद यास तूफान अब बिहार और झारखंड में आसमान से आफत बरसा रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार और झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में भी गुरुवार से मौसम बदल गया। ओडिशा से यास आगे बढ़ चुका है, लेकिन तूफान के बाद इसके निशान अब तक नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा, मिदनापुर जैसे इलाकों में यास तूफान के गुजर जाने के बाद भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कमजोर पड़े यास ने झारखंड और बिहार में एंट्री मारी तो रांची समेत कई जिलों की तस्वीर ही बदल गई। राजधानी रांची के कई इलाकों में लगातार बारिश से पानी भर गया। भारी बारिश से झारखंड में स्वर्ण रेखा समेत कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। बिहार के ज्यादातर हिस्सों में यास के असर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। बिहार में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है, साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। तूफान तो चला गया मलिका, लेकिन इसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में तूफान झेलने वाले ओडिशा ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिखाया है जिसे सलाम किया जा रहा है। संकट के समय नवीन पटनायक सरकार के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। यास के शांत होते ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तूफान से होने वाले नुकसान का जायजा लेने निकल पड़े।
चक्रवाती तूफानों के खिलाफ मैनेजमेंट में नवीन पटनायक सरकार ने एक नजीर पेश की है। अब कोरोना काल में दूसरा बड़ा तूफान झेलने वाले ओडिशा में जो काम हुआ है उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। यास तूफान के बावजूद ओडिशा ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर नहीं पड़ने दिया और ये संभव हो पाया सरकार की बेहतरीन प्लानिंग और जमीनी स्तर पर मेहनत से। अपनी सप्लाई को पहले ही 3 दिन के लिए भेज दिया। जब ये टैंकर्स, ये ट्रक्स अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए तो ऐसे कई ट्रक्स हैं जिन्हें तटीय इलाकों से हटाकर अंगुल, राउरकेला यानी कि वेस्टर्न ओडिशा में रख दिया। अब इन्हीं गाड़ियों के जरिए बाकी राज्यों में ऑक्सीजन भेजा गया। एक दिन के लिए एयरपोर्ट बंद रहा लेकिन इससे सप्लाई नहीं रुकी। कोरोना काल में ओडिशा से 18 राज्यों को सप्लाई की जा रही है। चक्रवाती तूफान यास के दौरान भी ये सिलसिला जारी रहा। इस कामयाबी के पीछे सरकार के 3 पॉइंट फॉर्मूले यानी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को वजह बताया जा रहा है। दूसरे राज्यों को जहां तूफान से पहले ही ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई थी, वहीं ओडिशा के अलग अलग जिलों में भी 3 दिन पहले ही भद्रक, बालासोर जैसे जिलों में ऑक्सीजन स्टोरेज को 2 गुना कर दिया गया। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरो कारोबारी मेहुल चौकसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मेहुल हाथ से फिसल जाएगा। मेहुल चौकसी को भारत लाने में अड़ंगा, क्या मेहुल चौकसी को बचाने की कोशिश है? मेहुल चौकसी पर डोमिनिका का यू टर्न। मेहुल चौकसी के वकील का बड़ा खुलासा। 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश को झटका लगा है। डोमिनिका सरकार ने मेहुल चौकसी को भारत भेजने के बजाय वापस एंटीगुआ भेजने का फैसला किया है। मेहुल चौकसी के वकील ने एबीपी न्यूज से बातचीत में आरोप लगाया कि मेहुल चौकसी का अपहरण करके डोमिनिका लाया गया है। इसके अलावा मेहुल चौकसी के साथ मारपीट भी की गई है। मेहुल चौकसी को बचाने का ये कोई पैंतरा है या सच, इसका राजफाश अभी नहीं हो पाया है। हालांकि मेहुल चौकसी को डोमिनिका से भारत की जगह वापस एंटीगुआ भेजने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एंटीगुआ के पीएम ने मेहुल के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था। भारत से फरार होने के बाद मेहुल चौकसी एंटीगुआ में ही रह रहा है। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, आज का कार्टून, जिसका इंतजार हमें तो होता ही और हम जानते हैं कि आपको भी रहता है। स्टूडियो में इरफान जी पहुंच चुके हैं, आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। इरफान जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग इरफान जी। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। तो आज के कार्टून के बारे में बताइए, हर कोई जानना चाहता है कि आज आप क्या खास लाए हैं। एक अस्पताल का एक दृश्य है जिसमें स्टाफ और डॉक्टर्स भागते हुए बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं उस कार्टून में और क्या क्या आगे है। तो चलिए आपको हम वक्त देते हैं, आप अपना कार्टून तैयार कीजिए और हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुशील कुमार, वो नाम जो चंद दिनों पहले फख्र के साथ लिया जाता था, नौजवानों के लिए ये नाम किसी हीरो से कम नहीं था, लेकिन अब यही नाम सबसे बड़ा विलेन बन गया। सागर धनखड़ की हत्या के मामले में एक वीडियो सामने आने के बाद कम से कम ऐसा ही लग रहा है। सामने आया सागर हत्याकांड का खौफनाक वीडियो। लाठियों से पीट पीट कर ली सागर धनखड़ की जान। चार पांच मई की दरमियानी रात को सागर धनखड़ के साथ क्या कुछ हुआ था और कैसे तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली गई थी, 54 सेकंड के इस वीडियो ने अब इस हत्याकांड से जुड़े ऐसे ही कई राज से पर्दा उठा दिया है। और पर्दा उठते ही इस हत्याकांड का जो सबसे बड़ा विलन सामने आया वो है ये शख्स। इस धुंधली तस्वीरों में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हाथों में लाठी लिए ये कौन है जो सागर धनखड़ की पिटाई कर रहा है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार है। देखिए कैसे जमीन पर सागर धनखड़ अधमरा पड़ा है। सुशील के साथियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। सागर हाथ जोड़े रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन सुशील को उस पर दया नहीं आ रही और वो उस पर लाठी से एक के बाद एक हमले कर रहा है। पहले ये खबर आई कि सागर की हत्या महज किराए के चंद पैसों के लिए की गई थी, लेकिन ये थ्योरी दिल्ली पुलिस के गले नहीं उतरी। पुलिस को शक है कि हत्याकांड की वजह कुछ और ही है और वो राज क्या है
ये उगलवाने के लिए क्राइम ब्रांच 3 दिनों से सुशील से पूछताछ कर रही है, लेकिन सुशील ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील अपने शरीर की तरह मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत है। वो जांच को लगातार भटकाने की कोशिश कर रहा है और रटे रटाए जवाब दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने मौका वारदात की वो वीडियो भी सुशील को दिखाई, बावजूद उसके उसने हत्या में शामिल होने की बात से साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि पुलिस अब जाँच में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है। दिल्ली पुलिस सुशील की खतरनाक खोपड़ी में उतरना चाहती है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट को देखकर सुशील पूछताछ के दौरान घबरा गया था और उसकी ऐसी घबराहट में कई सवालों के जवाब छुपे हैं। पुलिस जानना चाहती है कि हत्या का असली मकसद क्या है, क्या हत्या किसी और के इशारे पर हुई, क्या कोई गैंगस्टर हत्या के पीछे है। सच्चाई कैसे पता करे वो क्वेश्चन है, एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट बनाता है ताकि किस आधार पर उससे सच्ची बातें पता लग जाए, और इस केस में सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर हुई सोची समझी हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील के 4 साथियों को भी 26 मई को गिरफ्तार किया था। बदमाशों में भूपेंद्र उर्फ भूपी, मोहित उर्फ भोली, गुलाब उर्फ पहलवान और मंजीत उर्फ चुन्नीलाल शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अब क्राइम ब्रांच काला असौंदा नीरज भवाना गैंग के इन चारों बदमाशों को सुशील कुमार के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, ताकि सुशील की जुबान से सच उगलवाया जा सके। तो इस वीडियो से प्रतिमा ये तो साफ हो गया है कि छत्रसाल स्टेडियम में वारदात के वक्त सुशील कुमार वहां पर मौजूद था, और इस वीडियो की अगर बात की जाए तो इस वीडियो ने कई राज खोल दिए हैं, लेकिन सुशील को अभी कई राज खोलने हैं, क्योंकि हत्या वाली जगह से पुलिस ने जो कुछ बरामद किया है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशील के संबंध बड़े गैंगस्टर्स के साथ थे। हत्या के साथ क्या है इस सफेद होंडा सिटी का कनेक्शन? इस सफेद स्कॉर्पियो ने क्यों सुशील की मुसीबत बढ़ा दी है? सुशील के साथ मौजूद इस भीड़ का क्या है गैंगस्टर कनेक्शन? ऐसे एक नहीं बल्कि अनगिनत सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस सुशील से उगलवाना चाहती है, क्योंकि हत्या के बाद सुशील ने फरारी के दौरान जो पैंतरे चले वो कोई पेशेवर बदमाश ही करता है, और पेशेवर बदमाशों की मदद से ही किया जा सकता है। और अब तक की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं उसने दिल्ली पुलिस को चौंका कर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक हत्या वाली रात के बाद से ही सुशील लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने एक नहीं बल्कि कई राज्यों में पनाह ली थी। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार दिल्ली के हरिनगर, हरियाणा के बहादुरगढ़ और गुरुग्राम, पंजाब के बठिंडा और मोहाली, उत्तराखंड और यूपी में सुशील कुमार 19 दिन तक छुप कर रहा था। इस दौरान उसने 19 बार अपने ठिकाने बदले। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस 5 बार सुशील के करीब पहुंची, लेकिन हर बार वो भाग निकलने में कामयाब रहा। पुलिस को शक है कि इसमें वो अपने गैंगस्टर दोस्तों की मदद ले रहा था, जिसका सबूत है मौकाए वारदात पर मौजूद ये गाड़ियां। इन गाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन इन गाड़ियों के साथ एक और पेंच है। सूत्रों के मुताबिक सागर को अगवा करने के लिए 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। गाड़ियों के काफिले में एक ब्रेजा, एक होंडा सिटी और एक स्कॉर्पियो थी। दिल्ली पुलिस को पता चला है कि स्कॉर्पियो गाड़ी कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के खास गुर्गे की है, जो हत्या वाली रात मौजूद था। सूत्रों का कहना है कि उस रात सुशील की तरफ से काला असौंदा गैंग के प्रिंस दलाल समेत 35 से 50 लोग भी रात को छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। सुशील और उसके साथी सागर धनखड़ के साथ सोनू महाल को भी छत्रसाल स्टेडियम लेकर आए थे। सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का भांजा है और हत्या वाली रात को भी बुरी तरह घायल हुआ था। काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अपने भांजे सोनू महाल की मदद से गैंग को ऑपरेट करता है। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का वही डॉन है जिसने 2 साल पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की सुपारी संपत नेहरा को दी थी। और घूम फिर कर सारे गैंगस्टर के तार सुशील कुमार से जुड़ रहे हैं, और सबके गुर्गे हत्या वाली रात मौजूद थे। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस संपत मेहरा और लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा नीरज भवाना असौंदा गैंग के 4 बदमाशों की भी गिरफ्तारी हुई है, ताकि कुश्ती की आड़ में सुशील गैंगस्टर्स के साथ नजदीकी बढ़ाकर कौन सा काम कर रहा था इसका पता चल सके। दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान के 2 और साथियों वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
और इस बीच सुशील कुमार से ही जुड़ी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, आपको बता देते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने बयान दिया है कि पहलवानों के दो ग्रुप आपस में लड़ गए थे। इसके अलावा उसने कहा कि लेकिन रात 8:30 बजे पहलवानों का एक गुट छत्रसाल स्टेडियम से वापस लौट गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील का कहना है कि वो एक ग्रुप को समझाने बुझाने के लिए मॉडल टाउन गया था ताकि झगड़ा और न बढ़े। सुशील ने सोनू महाल को पीटने की बात कबूली है लेकिन कहा है कि सोनू ने गाली दी इसलिए उसे मारा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथ ही रोहित करोर को गिरफ्तार कर लिया जो अब तक फरार चल रहा था। और हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वरुण, और क्या अपडेट मिल रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि जो राज सुशील कुमार छुपा रहा है अब वो उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल, सुशील जिस तरीके से शरीर से मौजूद है उतना ही वो मानसिक तौर पर भी मजबूत है। यही वजह है कि पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन है भटकाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस ने मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट की भी इसे मदद ली है। सबसे अहम सुशील इस हत्याकांड में शामिल ना होने की बात कह रहा है और पुलिस के पास सबसे अहम सबूत वो वीडियो है जो कि सुशील के ही साथी प्रिंस दलाल ने उस दिन मौके वारदात पर बनाया था। पुलिस ने जब सुशील को ये वीडियो दिखाया तब उसने बहुत चालाकी से उसका ये कहना था कि स्टेडियम के अंदर दो ग्रुपों में पहले से ही दो पहलवानों के गुटों में झगड़ा हो गया था और रात 8:30 बजे के आसपास एक गुट वहां से चला गया था, दूसरे गुट को समझाने के लिए मॉडल टाउन पहुंचा था। और इतना ही नहीं, उसका ये भी कहना था कि उसने धनकड़ के ऊपर, सागर धनकड़ के ऊपर हमला नहीं किया, सोनू महाल के ऊपर मारा था क्योंकि सोनू महाल ने उसके साथ बदतमीजी की थी, उसे गाली दी थी, उसका कॉलर पकड़ा था। कहीं ना कहीं इस वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग कर रखी है और उसी हिसाब से उसने रटा रटाया जवाब पुलिस को दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज खोलेगा सुशील कुमार? इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। पीएम मोदी के बंगाल दौरे की भी बात करनी है। यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा और बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन पीएम के दौरे से पहले ही विवाद से जुड़ी एक खबर आ रही है। खबर यह है कि बंगाल के दौरे पर चुनाव बाद पहली बार पीएम मोदी और ममता की बैठक की खबरें थी, लेकिन ताजा खबर यह है कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की चर्चा हो रही है जिस पर टीएमसी नाराज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने कहा है कि अगर शुभेंदु बैठक में शामिल हुए तो ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं होंगी। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, डेढ़ सौ किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, और जोरदार बारिश, चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर वार तो जोरदार किया था लेकिन तैयारियों ने नुकसान को काफी कम कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज यास प्रभावित इलाकों का जायजा लेने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद पीएम बालासोर, भद्रक और पूर्वी मिदनापुर के तूफान प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद पीएम खड़गपुर के कलईकुंड में दोपहर 2:15 बजे बंगाल की समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में तूफान से 15,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। ओडिशा और बंगाल दौरे से पहले पीएम ने दिल्ली में यास पर बैठक की जिसमें राहत बचाव काम की जानकारी दी गई। कोरोना संकट के बीच 12वीं के छात्र छात्राओं का इम्तिहान अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर 1 जून को फैसला लेगी, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई होनी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी है, लेकिन क्या हालात ऐसे बन गए हैं कि 12वीं के छात्रों के लिए इम्तिहान का आयोजन किया जा सके? इस सवाल का जवाब आज देश के 1,44,00,000 छात्र जानना चाहते हैं। 12वीं की परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के परिजन भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर तमाम परिवारों की नजरें लगी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कोरोना का हवाला देकर 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान हालात परीक्षा के आयोजन के लिए सही नहीं है। ये भी कहा गया है कि अगर परीक्षा को टाला गया तो नतीजे देर से आएंगे, इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा। वकील ममता शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द से जल्द नतीजे घोषित हो सके। अब आपको बताते हैं कि 12वीं के इम्तिहान को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से CBSE बोर्ड के इम्तिहान कराने को लेकर सुझाव मांगे थे। ज्यादातर राज्यों ने इम्तिहान करने पर सहमति जताई है, जबकि दिल्ली, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
सीबीएसई बोर्ड के अलावा राज्यों को अपने अपने स्टेट बोर्ड के इम्तिहान का आयोजन भी करना है। ज्यादातर राज्य केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसी के आधार पर स्टेट बोर्ड के इम्तिहान का फैसला लेंगे। दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 1 जून को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी है, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले वायुसेना का MiG-21 बाइसन हादसे का शिकार हो गया था। इसमें पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे और अपने इस वीर के वायुसेना प्रमुख ने खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी। आसमान में ये गर्जना शहादत को सलामी देने की है और इस मौके पर खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया पहुंचे और मिशिंग फॉर्मेशन में राजस्थान के उसी सूरतगढ़ एयरबेस से MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी, जहां से शहीद स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने उड़ान भरी थी। मिशिंग फॉर्मेशन एक तरह की हवाई सलामी है जो शहीद को दी जाती है। इस फॉर्मेशन में शहीद पायलट के लिए 2 विमानों के बीच एक विमान की जगह खाली रखी जाती है। 23 स्क्वाड्रन यानी पैंथर्स के कमांडिंग ऑफिसर ने भी इस फॉर्मेशन में उड़ान भरी। अभिनव चौधरी का MiG-21 बाइसन पंजाब के मोगा में हादसे का शिकार हो गया था। कि आज है शुक्रवार का दिन। कोरोना से पहले आज के दिन इस बात पर चर्चा होती थी कि कौन सी फिल्म थिएटर में आ रही है, फिल्मों के रिव्यू होते थे, लेकिन वक्त बदला और अब बात OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज की होने लगी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर। गुड मॉर्निंग मयंक, और बहुत स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। तो मैं जैसा कि थैंक यू फॉर हैविंग मी इंट्रोडक्शन में भी बता रही थी कि पहले बात किया करते थे हम कि आज ये फिल्म रिलीज हुई है, क्या रिव्यू है, लेकिन अब सारा जो फोकस है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही रहता है और फिल्म देखने और कमाई को आंकने का तरीका भी कहीं ना कहीं बदल गया है। सलमान की फिल्म राधे ने नया ट्रेंड शुरू किया पे पर व्यू का। आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में फिल्मों की कमाई इसी से आंकी जाएगी? सलमान के अलावा क्या दूसरी छोटी फिल्मों के लिए ये तरीका सक्सेसफुल रहेगा? वेल, आई थिंक कहीं ना कहीं होप था बहुत लोगों को, स्पेशली प्रोड्यूसर्स को, कि यार अगर एक नया रेवेन्यू का मॉडल तैयार किया जाए कि लोग घर पर ही देखें पर पैसे दें, तो एक तरह से वो एक नया बॉक्स ऑफिस बन सकता है। ये कोशिश पहली बार नहीं की गई थी। इसके पहले एक फिल्म थी काली पीली, जिसमें ईशान खट्टर थे, अनन्या पांडे थी, उसको भी इसी तरह रिलीज किया गया था, बट वो एकदम ही फ्लॉप वेंचर निकला, बिकॉज आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा उस फिल्म का, डेफिनेटली लोगों ने नहीं देखा। नाउ राधे से तो ये क्लियर है कि अगर इतने लोगों को अगर पसंद नहीं भी आई, मतलब कि इतने लोगों ने तो कम से कम देखा है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप जो आंकड़े पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, या आंकड़े तो मिलते ही नहीं है। बॉक्स ऑफिस में बड़ा आसान होता था कि यार इतने सारे थिएटर्स हैं, इनसे बात कर लें आप और वो बता देंगे आपको कि हर थिएटर पे कितनी चली है वो फिल्म, उसके बाद आप एक नेशनल फिगर पर आप आ सकते हैं। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि यार 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख लोगों ने इसे पहले दिन देखा, तो उससे बता रहे हैं कि यार अगर 42 लाख लोगों ने अगर पहले दिन देखा और 250 रुपए इन सब ने पैसे दिए, तो रफली ये तो 100 करोड़ की रिलीज हुई फर्स्ट डे कलेक्शंस। बट ये इस पर हम कितना विश्वास करें ये थोड़ा मुश्किल है समझ पाना, प्योरली बिकॉज एक तो अगर 42 लाख लोगों ने देखा तो क्या सबने अकेले देखा, ये तो शायद नहीं हुआ होगा। कम से कम फैमिली होगी 4 की, तो चलिए उसको हम 10 लाख कर देते हैं। अगर 10 लाख लोगों ने 250 रुपए देकर देखा तो फिर बात आ जाती है अराउंड 25 करोड़ की कलेक्शन की फॉर फर्स्ट डे, विच इज अ मैसिव नंबर, काफी बड़ा नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जो फिगर है ये सेल्फ ऑडिटेड है, ये ये खुद ही जो प्लेटफॉर्म या प्रोड्यूसर है उन्होंने दिया है, इसको आप वेरीफाई कर नहीं सकते हैं। तो एंड ऑफ कोर्स ये भी जानना जरूरी है कि थिएटर्स नहीं थे, अगर थिएटर्स होते तो क्या ये भी लोग ये पैसे देकर घर पर इस फिल्म को देखते? सो आई थिंक एक सोच थी, एक होप था, एक नया रेवेन्यू मॉडल खड़ा करने का एक कोशिश की गई, जैसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड, मतलब कि हम पैसे दें और उसी चीज को सिर्फ अपने थिएटर अपने घर को थिएटर मानकर देखें। बट इस वक्त कहना कि ये सक्सेस था या फेलियर शायद बहुत बहुत जल्दी होगा। जी, मतलब मयंक आपकी बातों से इतना तो साफ है कि फिगर्स का आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हर घर सिनेमा घर हो जाए। इस हफ्ते रिलीज हुई वेब सीरीज महारानी की भी बात होनी चाहिए। हुमा कुरैशी जो कि मेन लीड में है, उनका किरदार बताया जा रहा है राबड़ी देवी के किरदार से प्रभावित है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए
देखिए, अगर हम प्योरली कैरेक्टर की बात करें और या सेटिंग की बात करें, तो महारानी जो नई शो है जो सोनी लिव पर आई है, अराउंड 10-पार्ट सीरीज है, हुमा कुरैशी इसकी लीड है। ये किरदार जो प्ले कर रही हैं, ये एक ऐसे सीएम का किरदार प्ले कर रही हैं जो कि इसके पहले एक होममेकर थी, यू नो, और उनके जो पति थे उसके पहले सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। ये सेटिंग जो फिल्म है वो लेट 1990s की है, बिहार पॉलिटिक्स पर स्थित है, तो ऑब्वियसली अगर आप कनेक्शन निकालें तो ये राबड़ी देवी ही लग रही है, और कौन हो सकता है। बट आई थिंक बहुत कोशिश की गई है कि उस ढांचे को लेकर जितना आप अलग उसका ट्रीटमेंट कर सकें उतना आप अलग ट्रीटमेंट करें, तो राबड़ी देवी एक इंस्पिरेशन हो सकती हैं। ये बिल्कुल राबड़ी देवी कहानी स्ट्रेट ऑफ तो नहीं लग रही है, बट बिहार पॉलिटिक्स की जरूर कहानी है, लेट 90s की जरूर कहानी है, और इसमें जो किरदार और भी है, इनफैक्ट राबड़ी देवी से ज्यादा मुझे तो इसमें नीतीश कुमार दिखते हैं, एक नवीन कुमार करके एक किरदार है जो अमित सियाल में प्ले किया है, वो ज्यादा लगते हैं नीतीश कुमार की तरह, ना कि हुमा कुरैशी राबड़ी देवी की तरह। बिल्कुल। तो आई थिंक वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस न्यू सीरीज। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आज का कार्टून अब तैयार हो चुका होगा, तो चलिए इरफान जी के पास। कार्टून रेडी हो गया इरफान जी? एकदम तैयार है कार्टून आज का, और आप बताइए कि कार्टून में आपने क्या देखा? तो इस कार्टून में जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अस्पताल से लोग बाहर निकल के भाग रहे हैं डर के। क्या ये इन्फेक्शन का डर है? नहीं, ये इन्फेक्शन का डर नहीं है, दरअसल में अंदर जो मनमाने ढंग से अस्पताल फीस दर ले रहे हैं मरीजों से, उसके खिलाफ में सरकार ने जाँच करना शुरू कर दी है। तो अंदर इन्वेस्टिगेशन की टीम है, तो वो कह रहे हैं कि अंदर इन्फेक्शन नहीं, इन्वेस्टिगेशन फैला हुआ है। तो मतलब ये लोग जो भाग रहे हैं वो इन्फेक्शन के डर से नहीं, इन्वेस्टिगेशन के डर से भाग रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक बताया कि हमने देखा कि किस तरह से अस्पतालों में बदहाली की तस्वीरें तो देखने को मिली ही, लेकिन साथ ही मनमाने पैसे भी वसूले जा रहे थे लोगों से। इरफान जी, इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार जानना चाहते हैं कि इरफान सर की मास्टर क्लास कब से शुरू हो रही है। अरे वाह, आपने अच्छी याद दिला दिया, मास्टर क्लास इसका नाम है, तो वो तो गुरु का दिन गुरुवार ही होगा, इसलिए हमारी क्लास गुरुवार को होगी। उसके लिए आप लोग इंतज़ार करिए, मेरे साथ में कार्टून देखिए और साथ में बनाइए भी। बहुत शुक्रिया इरफान जी। नमस्ते भारत में इसी के साथ 180 मिनट के सफर में फिलहाल इतना ही। ABP News, आपको रखे आगे।